नहीं 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 मल्हार जी, उसके पास मत जाइए, न जाने उसमें क्या होगा, किसने किया ये सब। रिलैक्स कल्याणी, कुछ नहीं होगा। कल्याणी, उस पे लिखा है वेलकम मल्हार। ये किसने भेजा है मल्हार जी? किसी का नाम ही नहीं है, देखो ना। किसी अननोन नंबर से मैसेज आया है। क्या लिखा है? आई होप मेरा वेलकम गिफ्ट अच्छा लगा होगा मल्हार। अब सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ, तो मेरे बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस एड्रेस पे आ जाओ, सारे जवाब मिलेंगे। एड्रेस भी दिया है। एड्रेस तो यही था मैसेज में। क्या मस्त लड़की है भाई। अरे हम तो छोटी मछली पकड़ने गए थे, ये तो बड़ी मछली हाथ आ गई। बरसों बाद ऐसी लड़की मिली है, आज तो सारी तमन्ना पूरी होगी। Stop, stop it! Don't touch me. Leave me, please leave me. हाथ ऊपर, हिलना मत। अबे कौन है बे तू, यहाँ क्या कर रहा है? तो जैसे गधों की अकल ठिकाने लगाने आया हूँ। आप तो फेमस एक्ट्रेस वो मेहका ओबेरॉय है ना? कट कट कट। I'm Sid, Mika का हस्बैंड और फिल्म डायरेक्टर। क्या चल रहा है सब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप एक सर, मेरे बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। प्लीज सर, सेल्फी सर। देखिए, अब एक्सक्यूज मी, छोड़ छोड़िए प्लीज, सॉरी। मैं समझा नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं शूटिंग में आ गया हूँ क्या? मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे इंस्पेक्टर का रोल नहीं करना चाहिए, और मैं उन्हें समझा रही थी कि प्लीज समझो कि यू नो इंस्पेक्टर का रोल इज लाइफ चेंजिंग रोल। सो कुछ समझ आया तुमको? हाँ जी, समझ आ गई आपकी बात। मुझे समझ में नहीं आया मेरा ऐसे क्या कनेक्शन है।
मैं एक रोल करने जा रही हूँ नेक्स्ट मूवी में और वो कैरेक्टर बिल्कुल आपकी तरह है और मुझे उसमें आपकी मदद की जरूरत होगी। मतलब मुझे मुझे सब कुछ जानना है कि पुलिस वाले कैसे स्टंट्स करते हैं, पुलिस वाले कैसे अपनी लाइफ जीते हैं, उनके ट्रिक्स सब कुछ आपसे जानना है। और इसी वजह से जब मुझे पता लगा कि आप औरंगाबाद आए हैं, मैंने आपके लिए वेलकम बुके भिजवाया था। दिमाग खराब है आपका? बताइए कौन हूं मैं? पुलिस ऑफिसर हूं मैं, ना कि आपका पर्सनल ट्रेनर। और सरकार मुझे जनता की रक्षा करने के पैसे देती है, ना कि आप जैसों के आगे पीछे घूमने की। प्लीज दोबारा मुझे कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। हटो। कहाँ रह गए मल्हार जी? अभी तक नहीं आए। पता नहीं उन्हें कुछ मालूम भी चला है या नहीं कि वो बुके किसने भेजा और क्यों। काका, क्या बात है कल्याणी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सबकी मनपसंद का खाना बनाया है काका। आज इतने दिनों बाद घर आए हैं तो सोचा क्यों ना भाई की तबीयत ठीक होती तो वो भी यही सब बनाती। अब खाने बैठिए ना। वैसे काका, एसबी का कुछ पता चला? क्या उन्हें पैरोल पे बेल मिलेगी? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कल्याणी, लेकिन वहीनी ने बेसिक रूल तोड़ा है पैरोल का। आसपास के किसी भी थाने में उन्हें अटेंडेंस लगानी थी जो वो नहीं कर पाई, इसलिए पैरोल आधे में रोक के उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। काफी मुश्किल होगा उन्हें दोबारा पैरोल दिलाना। गुनगुन, अनु बाहर आओ, जल्दी खाना तैयार है। चलो 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 चलो। हाँ आओ बैठो। रहा सारा खाना? खाना लो तुम दोनों। पूरी? हाँ पूरी बनी है। और खीर भी है। रुको, खीर आई, तुम खिलाओ ना मुझे। हाँ आते। आज तुम मेरे हाथ से खाओ ना। नहीं, मुझे आई के हाथ से ही खाना है। आई तुम खिलाओ। अरे अभी मेरे हाथ से खा लो, रात को कल्लू के हाथ से खा लेना। नहीं मैंने खाओ ना, मुझे आई के हाथ से खाना है। अच्छा मेरी बात सुनो। देखो गुनगुन इतने प्यार से तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो तुम्हें खाना खिलाना चाहती है, और जब कोई इतने प्यार से कुछ कहता है ना तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। प्लीज खा लो उसके हाथों से खाना। अच्छा ठीक है। क्यों किया तुमने ऐसा? उसने ढंग से खिलाया नहीं मुझे, सब खाना गिर गया, मेरा फ्लॉक खराब हो गया। वो बच्ची है आई, आपको उसे खाना खिलाना चाहिए था, उसे आपको नहीं। बस इंतजार कर रही हूँ मैं उस दिन का जब आप माँ बनकर गुनगुन को खाना खिलाओगी। देखो ये गलत बात है, बहुत गलत बात। गुनगुन तुम्हें सिर्फ प्यार से खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रही थी। और जब कोई तुम्हें प्यार दिखाए ना तो उसे चोट नहीं पहुंचाते। सॉरी, कोई बात नहीं। वेरी गुड, अब तुम दोनों ना एक दूसरे को खाना खिलाओ, वो भी बिना लड़ाई झगड़ा किए। ओके। मल्हार जी कुछ पता चला क्या? कल्याणी वो आई, खाना हो गया, हम लोग खेले। हाँ खेलो ध्यान से। हाँ चल चल।
बताइए ना मल्हार जी, क्या पता चला है? तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्या बात है? बैठो, बताता हूँ। आप बैठिए, खाना खाइए। वहाँ कौन फेंकता है? जा तू लेकर आ। तुमने फेंका है ना, तो तुम ही लाओ ना। कट्टी। नो। बोल दो। अरे कहाँ रह गई बॉल? अभी तक नहीं मिली क्या? जानती है इसे? तुम नहीं जानती? मीका ओब्रॉय है ये, उरी फिल्मों की सुपरस्टार है। सुपरस्टार? तो मैं दुनिया के लिए हूँ, आपके लिए आपकी दोस्त। सच्चे? आप मेरी दोस्त हो? बिल्कुल। मैं क्या आपको हग कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स। मुझे भी। और मुझे आप दोनों की एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हेल्प? हमारी हेल्प? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप ही कर सकते हो। प्लीज मेरी हेल्प कर देना, और अपने फ्रेंड्स की तो हेल्प करनी चाहिए ना। फ्रेंड हूं ना मैं आपकी। ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? अरे बाबा, पर हुआ क्या, बताओ तो सही। हाँ? देखो ना, गुनगुन कैसे लो रही है, ऐसा खेल भी नहीं रही है। अरे अच्छा, एक सेकंड, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर मैं जाके उसे शांत करूंगी, ठीक है? हाँ? गुनगुन, क्या हो गया? हाँ? क्यों रो रही हो तुम? अरे मुझे नहीं बताओगी तुम क्यों रो रही हो? हाँ? ये बॉल की वजह से रो रही हो, क्योंकि ये टूट गया। अरे नहीं अशिन, नहीं रोते, एक बॉल ही तो है। मेरे पास एक इकलौता खिलौना था, वो भी सब टूट गया। मुझे कोई नहीं दिला देने था। अरे अरे तुम क्यों रो रही हो? ये लो नहीं है तो मुझे भी लो ना ले। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसे रोते नहीं है, अगर तुम रोगे तो फिर मैं उसको कैसे शांत करवाऊंगी? हाँ शांत हो जाओ, ठीक है शांत हो जाओ। एक सेकंड शांत। मेरी तरफ देखो। अरे इतनी छोटी सी बात, इतने मोटे मोटे आंसू नहीं बहाते, एक बॉल ही तो है ना, और तुम्हारी बड़ी बहन है ना, मैं तुम्हें ढेर सारे खिलौने ला के दूंगी, तुम जो मांगोगी। बताओ कौन सा खिलौना चाहिए? मार्केट में एक डॉल आई है, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। हां ठीक है, वही ला के आऊंगी, कल ला के दूंगी। मैं वही डॉल आके दूंगी तुम दोनों को, ओके? चलो रोते नहीं है। हाँ पढ़ लिया मैंने केस फाइल, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। सेंटर टेबल कहां गई? और ये इतना बड़ा गिफ्ट। कल्याणे गिफ्ट आया। आराम से
अरे भाई आराम से, आराम आराम से। गुनगुन तुम बताओ ये कहाँ से आए, किसने भेजा? कल उसे गिफ्ट मंगाया था, वही हमारे लिए गिफ्ट लाई है। आई बहुत अच्छी है, इतना बड़ा गिफ्ट लाया। गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। रिलैक्स रिलैक्स, एक सेकंड। कल्लू कल्याणी लाई है तुम्हारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट? आई हमारे लिए गिफ्ट लाई है। इतना बड़ा गिफ्ट? हमने तो छोटा मांगा था, लेकिन कल्लू ने इतना बड़ा गिफ्ट लाया है। अब हम खोलेंगे। अरे हमें खोलने दो। हो गया? हो गया तुम दोनों का, तो मैं खोल दूं? खुल गया। सरप्राइज सरप्राइज। तुम यहाँ? इतनी बड़ी डॉल। कल्याणी कल्याणी। अरे वहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा वेकेशन के लिए। चलो अच्छा है। कल्याणी ये मल्हार जी। कल्याणी कल्याणी कल्याणी। अरे पिल्लू से बात भी नहीं करने दी अच्छे से। कल्याणी वो सब छोड़ो, ये बताओ ये गिफ्ट तुम लेकर आई हो माई और गुनगुन के लिए? हाँ पता है, मैंने आज तक ना इतनी प्यारी और सुंदर डॉल देखी ही नहीं है। कल्याणी मजाक कर रही हो ना तुम? हाँ ये लोग वो गिफ्ट नहीं रख सकते। मजाक मल्हार जी? नहीं मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है आप? वो गिफ्ट यहाँ क्यों नहीं रह सकता? अरे बच्चों के लिए गिफ्ट लाई तो वो लोग उसे यहाँ क्यों नहीं रख सकते? बच्चों को वही गिफ्ट चाहिए था तो मैं ले आई। बच्चों को जो भी गिफ्ट चाहिए तुम ला के रख लोगी घर में, ऐसा थोड़ी होता है। अरे मल्हार जी आप इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? एक प्यारी सी डॉल ही तो है, और अगर बच्चे पूरा दिन उस डॉल के साथ खेलने में बिजी रहेंगे ना तो हमें परेशान नहीं करेंगे, बिजी रहेंगे ना वो। क्या बोले चले जा रही हो? बच्चों को बिजी रखने के लिए कुछ भी ले आओगे घर में? और भी हजार चीजें होती है ना। अरे मल्हार जी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर बच्चों को उनके मन पसंद खिलौने दे दो तो वो परेशान नहीं करते हैं, समझते ही नहीं आप। कल्याणी क्या बोले चले जा रही हो तुम? खिलौना क्या खिलौना कर रही हो? हाँ एक जीते जागते इंसान को डॉल बोल रही हो तुम? क्या चलो मेरे साथ चलो। मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। चलो मेरे साथ। ये मल्हार जी पर हुआ क्या? ये है तुम्हारा गिफ्ट? हाँ ये तो मेही का उब्रॉय है। हाँ कल्याणी जानता हूँ, और ये यहाँ नहीं रह सकती, आया समझ में? हाँ मेही का उब्रॉय, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं। हाय कल्याणी। हाय कल्याणी। आप हमारे घर में? एक्चुअली मुझे अपनी नेक्स्ट फिल्म में कॉक का रोल करना है, और उसके लिए मुझे मल्हार जी से ट्रेनिंग चाहिए, पर ये मान ही नहीं रहे हैं। इनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने बुके भी भिजवाया था, तब भी खुश नहीं है। क्या मल्हार जी आपने मेही का उब्रॉय को मना कर दिया? आप इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इतना बड़ा पाप नहीं करने दूंगी, आपको इन्हें ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। नहीं कल्याणी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं देने वाला हूँ। ऐसे कैसे मल्हार जी? देखिए आपको इन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और प्रॉब्लम भी क्या है, ये हमारे घर में रहेंगे ना, फिर आप इनको अर्ली मॉर्निंग या तो लेट नाइट ट्रेनिंग दे सकते हैं, और आपको भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और सब कुछ एडजस्ट भी हो जाएगा अच्छे से अगर यहाँ आई रहेंगी तो। हाँ प्लीज मान जाइए। नहीं कल्याणी प्लीज मान जाओ, मान जाओ जी, प्लीज प्लीज मान जाओ। अरे तुम मैं हटो क्या चल रहा है, हटो मैं यार हटो यहाँ से, कहा ना नहीं तुम लोगों से, बस 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 करो, बंद करो ये नौटंकी, जब मैंने कहा ना उसका मतलब ना ही होता है।